बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं स्केचअप प्रो के बारे में एक नए प्लगइन के साथ हाजिर हुआ हूँ। दो प्लगइन है, FFT प्लगइन और 101 बिट प्रो प्लगइन। ठीक है, इसकी मदद से हम आज की इस वीडियो में एक शेड बनाएंगे। आयरन शेड को किस तरह बनाते हैं, किस तरह ड्रा करते हैं, वो मुकम्मल तरीक़ेकार इन प्लगइन की मदद से आपके सामने मैं रखूँगा। उन प्लगइन की मदद से और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन इन प्लगइन की मदद से आप इस काम को भी सर अंजाम दे सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको लाजमी मिले। फर्स्ट नंबर पे हमारा प्लगइन है FFD प्लगइन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारा जो प्लगइन है 101 बिट प्रो प्लगइन, ठीक है जी। ये दो प्लगइन की मदद से हम आज की इस वीडियो में काम करेंगे, ठीक है। तो इस जो आयरन शेड है वो इन दो प्लगइन की मदद से हम बनाएंगे। आयरन शेड को किस तरह बनाते हैं, क्या तरीका इस्तेमाल होता है, मुकम्मल आज की इस वीडियो में हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे। तो चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गाइस यहाँ पे एक पिलर सबसे पहले बनाएंगे। पिलर बनाएंगे तो हमारे ऊपर वो शेड जो है बनेगा, उसके बगैर तो पिलर के बगैर तो शेड नहीं खड़ा होता। आप पिलर आयरन के भी बना सकते हैं, आप डिज़ाइन के भी बना सकते हैं, या सिंपल कॉलम भी बना सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे मैं सिंपल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप डिज़ाइन तैयार करके कुछ भी उसका आइडिया आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम बना रहा हूँ 4 इंचज़ का, ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके मेक इन ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम, ठीक है जी, और ओके करता हूँ। ये मेरा एक प्लगइन तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं एक फासला देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 10 फीट का फासला मैं यहाँ मैंने यहाँ पर दे दिया है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको मूव कमांड की मदद से हम इसकी कॉपी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इसको 4 फीट कॉपी करके यहाँ पर हम इसके 8 कॉलम बनाएंगे, X8, ठीक है। हमारे पास ये 8 कॉलम जो है बन चुके हैं, ये आपके सामने ये आप देख रहे हैं। अभी इनको हम एक्सट्रूड करते हैं। जब हमने ग्रुप बनाया है तो इससे हम इसकी डिजाइनिंग भी यहाँ से हम कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा डिजाइन चले बना देता हूँ यहाँ पर। इसको मैंने पुश एंड पुल कर लिया, इसको भी पुश एंड पुल कर लिया, ठीक है। अभी इसका मैंने ऑफसेट ले लिया है, इसको भी मैंने पुश एंड पुल कर लिया। ये थोड़ा सा डिजाइन जो है यहाँ पर आपके सामने मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको 10 फीट अप कर दिया, ठीक है। ये मुकम्मल मेरे मुकम्मल जितने भी कॉलम है वहाँ पर ये ड्रा चुका है। अभी मैं इसका फ्रंट फेस लेता हूँ। फ्रंट फेस लेने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल टाइप जो है एंगल तैयार करूँगा, ठीक है। ये एक मैंने कॉर्नर पॉइंट ले लिया, ये मैंने इसको कर लिया है 1 फीट, ठीक है, बल्कि 6 इंच के बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 इंच का ये मैंने बना लिया है और हाइट भी इसकी मैंने 5 इंच दे दी है, और मैंने ये भी 6 इंच और ये डाउन पे भी 6 इंच और सेंटर में मैंने ये क्रॉस लगा दिया, ठीक है। ये मैंने क्रॉस और इन लाइन इन जो जो हमारा फेस है इनको हमने डिलीट कर देना है। अभी इसको मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इधर सेंटर ले लेना है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर सेंटर ले लेता हूँ, ये मेरे पास सेंटर आ गया, ठीक है। मेरे पास सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पर डिमेंशन लेके देखते हैं कितना बन रहा है, 4 फीट का, ठीक है। यहाँ पर हम इसके डबल जो है 8 जो है हम देंगे यहाँ पर X8, ठीक है। ये हमारे पास सामने ये तैयार हो चुका है। अभी हम इसका ग्रुप कर लेते हैं या इसको हम क्लिक करके यहाँ पर ये देखिए हम इसको क्लिक करते हैं, डबल ट्रिपल क्लिक के साथ हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मूव टूल की मदद से इधर ले आते हैं।
इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है, फ्लिप इसको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लिप, ये फ्लिप अलॉन्ग, ठीक है, फ्लिप कर देंगे तो आपके पास ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप ऑन रेड एक्सिस के ऊपर मैंने इसको फ्लिप कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। जैसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको मुकम्मल ट्रिपल क्लिक के साथ मुकम्मल इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक के साथ मेक एंड ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद गाइस अभी देखें, इसको मैंने यहाँ पर उठाना है, ठीक है, यहाँ पर इस सेंटर में पहले रख देना है, फिर उसके बाद इस सेंटर में हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये भी देखें, इधर से भी हमारा सेंटर पॉइंट हो गया और उधर से भी हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। और हिडन जो लाइन और ये लाइन हमने लगाई इसको रिमूव कर दें। अभी यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले हमने FFD प्लगइन यहाँ पे इसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना है। FFD प्लगइन जो है वो इसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना है, ठीक है। उससे पहले हम इसको लेते हैं, यहाँ पर इसकी कॉपी कर लेते हैं, साइड पर ले लेते हैं, हमारे बाद में ये काम आएगा। हम एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमारे ये काम जरूर आएगा। तो आपने सिंपल अभी इसके ऊपर जब FFT प्लगइन अप्लाई करना है तो इसको ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ये नीचे आ गया हमारे पास FFT प्लगइन, ठीक है। ये सिंपल इसी तरह आपने जाना है अपने गूगल बार में, यू जो स्केच यूकेशन है, स्केच यूकेशन ये प्लगइन एक्सटेंशन की एक वेबसाइट है, यहाँ के ऊपर आपने रजिस्टर होना है और यहाँ पे आपको मुकम्मल पूरे स्केचअप के हर वर्जन के जितने भी प्लगइन्स हैं, जिस हिसाब के भी प्लगइन हैं, यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है FFD, ठीक है, FFD। आप जैसे ही आप लिखेंगे तो इंटर करेंगे तो आपके पास थोड़ी देर के बाद यहाँ पे वो प्लगइन आ जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो रजिस्टर होने के बाद आप सिंपल यहाँ पे ये देखें, आपके सामने ये ऊपर इसकी रेटिंग दिखाई हुई है, 1 स्टार 2 स्टार 4 स्टार, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। इसके मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें। अगर आपने कोई चीज़ डोनेट करनी है तो यहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं, तो आसानी से यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। अगर लिंक नहीं भी है तो आपने सिंपल स्केच यू केशन आपने टाइप करना है तो आपके सामने प्लगइन की साइट खुल जाएगी। आपने सिंपल अपने गूगल अकाउंट के साथ इसके अंदर रजिस्टर होना है, रजिस्टर होने के बाद आपने इसमें लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद आपने इसमें कोई भी किसी किस्म का भी प्लगइन यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस आपने अपने ये स्केचअप प्रोग्राम के अंदर जो है यहाँ पे विंडो, यहाँ पे ये एक्सटेंशन वेयर हाउस का ऑप्शन है, इसके अंदर से भी आप इसको क्लिक करें, ये यहाँ से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर से भी आप अपना कोई भी प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन ये बताना भी आपको लाजमी था कि अगर FFD प्लगइन आप कहाँ से ले सकते हैं, वो मैंने मुकम्मल आपको बता दिया है, गाइड कर दिया है कि FFD प्लगइन आप ये सर्च कर रहे हैं, ये सर्च होके आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी FFD प्लगइन, इसको अपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके हमने इसके ऊपर राइट क्लिक, FFD प्लगइन है 3 FFD पे आ जाना है, ठीक है। ये देखें 3 पॉइंट जैसे लगाएंगे हमारे पास, इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे 1 2 3 आप देखे होंगे, जूम कर देता हूँ, ये देखें ये पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये आपके पॉइंट सेंटर में भी लग जाएंगे, लेफ्ट और राइट यानी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में भी ये तीनों पॉइंट लग जाएंगे। इनका फायदा भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपने सिंपल इन पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ट्रिपल क्लिक करके इन हो जाए, ठीक है, इन पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपने करना है जी ये पॉइंट, ठीक है। आपने इनको, मैंने अभी इनको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मूव टूल की मदद से इसको इनको मैं आप ले जाता हूँ। ये देखिए ऑन डायरेक्शन ऑन एक्सिस के ऊपर मैं ब्लू एक्सिस के ऊपर इसको आप लेके जा रहा हूँ। ये देखें मेरा जो यहाँ पे जो आयरन में ट्यूब मैंने इख्तियार की थी वो देखें कैसे अप हो रही है, ठीक है। इसको मैं और अप करूँ, ऑन एक्सिस के ऊपर अप करना है, ठीक है। आपने ऑन डायरेक्शन जो ऑन आपकी एक्सिस है 90 डिग्री वाली ब्लू एक्सिस उसके ऊपर या आप कीबोर्ड से एरो अप का बटन दबाएंगे, जैसे एरो अप का बटन दबाएंगे तो आपके सामने, ठीक है, ये अप वाला ऑप्शन है, रेडी आ जाएगा, ठीक है। आपने अप हो जाना है इधर से, फिर इसको अप करते हैं, इसको और अप करते हैं, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से सुकून से आपने वर्क करना है, मूव टूल की कमांड की मदद से हम इसको अप करते हैं, जितना आप अप करना चाहें यहाँ पे आप इसको इजीली अप कर सकते हैं। ये देखिए ये अप हो रहा है,
और इसी तरह आपने इस साइड पे आना है, ये भी इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने रोटेट टूल लेना है, ये रोटेट टूल है। रोटेट टूल लेने के बाद आपने यहाँ पर इस डायरेक्शन में आके, ठीक है, यहाँ पर पिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और इस पॉइंट को पकड़ के आपने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। ये इतना सिंपल और इजीली तरीके से आपने इसको रोटेट करके इसकी जो बार की जो सेटिंग है वो आपने सेट कर दी है, ठीक है, सिंपल। इसी तरह इसको भी आपने सेलेक्ट टूल बार की मदद से आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रोटेट टूल बार लेना है और यहाँ पर आपने एरो की मदद से इसकी डायरेक्शन को सेट करते हुए यहाँ पे इसको आपने मूव कर देना है। ये सामने आपके सामने आ गई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त। अभी और भी अगर करना चाहते हैं इसको क्लिक करें, ये इन पॉइंट को क्लिक करना है, ठीक है, इन पॉइंट को क्लिक करें, इनको सेलेक्ट करने के बाद इनको अभी हम और मूव कर देते हैं कि थोड़ा सा आर्क टाइप हमारा बने तो सही है। ये हमारा अभी अभी जबरदस्त हो रहा है, अभी जबरदस्त लग रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी देखते हैं वो हमारा एफ एफ डी प्लग इन, ये देखिए आपके सामने एफ एफ डी प्लग इन सामने आ गया। सिंपल आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो डाउनलोड हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके लिए सिर्फ रिकमेंडेशन यही है, ये वेबसाइट यही मांगती है, आप अपने खरीद भी सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट यही कहती है कि सिर्फ आप मेरी जो वेबसाइट है इसको लॉग इन करें या रजिस्टर हों इसके अंदर, फिर उसके बाद आप कोई भी प्लगइन सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। अभी सेकंड जो प्लगइन हमारे पास था वन बिट टूल के अंदर, ये देखिए वन बिट टूल में आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ के ऊपर, वन बी 100, ये देखिए 101 बिट टूल में इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने देखिए आ गया, ठीक है, 101 बिट टूल। पहला हमारा एफ एफ डी प्लगिंग था, दूसरा हमारा वन बिट वन टूल। इसके अंदर बहुत सारे टूल हैं और बहुत कमाल कमाल के हैं। इसके अंदर हमने जो टूल इस्तेमाल करना है वो उसका नाम ये है जी, क्रिएट ट्यूबलर ग्रिल फ्रॉम सिलेक्टेड एजेस, यानी कि ट्यूबलर ग्रिल बना, ग्रिल भी बना सकते हैं कोई भी, यानी कि ट्यूब की शक्ल में आप बना सकते हैं। हमारा एक यानी कि आयरन सॉलिड है, हमने इसको ट्यूब की शक्ल में ले जाना, आपने सिंपल यहाँ के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी जो पॉइंट है वो दे देना है और इंटर का बटन दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे अपने जो भी पॉइंट था वो इंटर का बटन दबाने के बाद थोड़ी देर बाद जो वर्किंग होगी वो आपके सामने ट्यूब की शक्ल में हो जाएगी, पूरा जो हमारा आयरन बार था वो ट्यूब की शक्ल में हो जाएगा। ये थोड़ा सा वर्क कर रहा है, ठीक है, ये देखें आपके सामने ये मुकम्मल जो है ट्यूब की शक्ल में, ये कम है, हम इसको और ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको 0.5 करते हैं और इंटर करते हैं, थोड़ा सा मेरे पीसी की स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से ये वर्किंग करने के दौरान जो थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन दे रहा है, तो लेकिन ये वर्क हो जाएगा। ये देखें गाइस कितना फास्ट तरीके से, अगर आप मैनुअल ये काम करना चाहें तो उस पर टाइम भी बहुत सारा वेस्ट होगा और आप काम अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाएंगे। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, अगर मैं 1 इंच कर देता हूँ इसका जो डाया 1 इंच में कर देता हूँ, तो फिर देखें और वाजिया और ज़बरदस्त किस्म से आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है गाइस। वीडियो बड़ी ज़रूर हो रही है लेकिन मेरा मतलब सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बस खामोश हो जाओ, जल्दी जल्दी से काम करो, टूल लो, बस अगले बंदे को पता चले या ना चले, मेरा मकसद है आपको समझाना, अच्छे तरीके से गाइड करना कि आप जो काम करें जो सीखें वो अच्छे तरीके से आपको किसी यानी कि दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े, एक मतलब वीडियो देख लिए तो आप सीख सकें। अभी यहाँ पर हमने अभी सेकेंड ऑप्शन जो तैयार करना है इसको कहते हैं हम यहाँ पे मेटल कलर दे देते हैं, ठीक है, ये देखिए हमारा ये डिफरेंस है, ये मेटल हमने कलर दे दिया। अभी यहाँ पर आपने इसका एज ए पाथ भी ले सकते हैं, एज ए आप कॉपी कमांड पाथ भी, जो मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की थी उस कमांड से भी आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन दबाना है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है हमने जो पिलर बनाए थे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे सामने करके बिल्कुल अपने इजीली इस तरीके से हम अपने सामने करके ये देखिए
ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ऑन द पिक पॉइंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे एक एक्स आपने, हमने 8 लिए थे, 7 कर देना है, तो ये 7 के ऊपर बल्कि 8 कर दें, 8 के 8 ऊपर ये हमारे जो बीम थे वो लग चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से, कितने फास्ट तरीके से हमने इनके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। आप इसी तरह सिंपल इनके क्रॉसिंग में भी, क्रॉस में भी आप दे सकते हैं, जिगजैग टाइप में भी आप बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग को उस हिसाब से बनाएं तो आप इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और बना सकते हैं। आज की वीडियो हमारी थी FFB प्लगइन और F101 बिल्ड प्रो प्लगइन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो में ये प्लगइन को इस्तेमाल करना सीख लिया होगा कि इन प्लगइन की मदद से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और कितना आसानी से काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल बार नेक्स्ट प्लगइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। उससे पहले फिर बताता चलूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।